आपको मेरा नमस्कार। SAP ऑनलाइन की जो प्रक्रिया है हम अपनी स्टाफ कॉर्नर की ID से भी कर सकते हैं, जहाँ पे हमने टैप फॉर्म भरा था, और हम इसे शाला दर्पण की ID से भी कर सकते हैं। स्टाफ कॉर्नर की ID से अभी ये प्रोसेस अपडेट में नहीं है, सर्वर की एरर आ रही है। तो हम जान लेते हैं कि शाला दर्पण की ID से कैसे करें, तो उसको हम ऑनलाइन करते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो साथी शिक्षक ऑनलाइन कर रहे हैं SAP, तो बहुत सारे डिटेल गलत हैं, जान लेते हैं उनका भी क्या करना है। अपनी स्टाफ कॉर्नर की ID की बजाय शाला दर्पण की ID को ओपन करें, और यहाँ गूगल में जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हो वहाँ लिखें शाला दर्पण, और अपने शाला दर्पण स्कूल की जो ID है उसको ओपन कर लेवें। उसको ओपन करेंगे, जैसे ही शाला दर्पण लिखेंगे यहाँ इंटीग्रेटेड शाला दर्पण आ रखा है, इसको क्लिक कर लेवें, और इस प्रकार की इंटरफेस आती है, वहाँ लॉगिन पर क्लिक करें। आप जैसे ही अपनी शाला दर्पण की ID ओपन करते हैं तो आपके सामने नीचे मॉड्यूल लिस्ट जो है उसमें दो नंबर पे ACP पेंडिसी रिपोर्ट लिखा है। आप इसको क्लिक करके ACP और फिक्सेशन रिपोर्ट पूरी कर सकते हैं। जिसका फिक्सेशन हो गया है वो भी, और जिसका फिक्सेशन नहीं हुआ है तो भी ACP और फिक्सेशन दोनों की प्रक्रिया को आपको अपडेट करना है। जिनको ACP लाभ मिला है वो भी, और जिनको ACP लाभ नहीं मिला है अब तक वो भी, सभी को अपडेट करना है। तो आप इसको दो नंबर पे जो ACP पेंडेसी रिपोर्ट है इसको क्लिक कर लेवें। जैसे ही ACP पेंडेसी रिपोर्ट पर क्लिक करते हैं तो आपके स्कूल का नाम और आगे स्कूल SDID शो हो रही है, तो आप इस पे स्कूल के नाम पर क्लिक करें। स्कूल के नाम पे क्लिक करेंगे तो आपके स्कूल के सारे टीचर्स का नाम और आगे आपकी ID इस प्रकार आ जाएगा। तो जहाँ नाम लिखा है अपना वहाँ पे आप क्लिक कर लेवें। क्लिक करेंगे तो आपकी डिटेल आपके सामने शो हो जाएगी, एम्प्लॉय ID, नाम, पद तृतीय श्रेणी लेवल द्वितीय, और आगे प्रथम नियुक्ति विभाग में प्रथम नियुक्ति तृतीय श्रेणी लेवल द्वितीय, उसके बाद सीधी भर्ती का अंतिम पद, और सीधी भर्ती के अंतिम पद पर कार्यकारिणी तिथि, ये दोनों ही तिथि और पद जो है आपका ही नहीं अपितु सभी का गलत आ रहा है, इसके लिए टेंशन न लें, और ये डाटा अपडेट हो जाएगा और आप इसको बिल्कुल ही ध्यान में नहीं रखें। आपको एक बार डाटा अपडेट करना है जिसमें विभाग की प्रथम नियुक्ति 28/9/18 है, तो इसके 2 साल बाद फिक्सेशन की डेट डाल दीजिए 27/9/2020। जो पहला कॉलम है स्थायीकरण 27/9/2020, इसमें आप अंकित कर दीजिए। 27/9/20 अंकित करने के बाद क्या स्थायीकरण हो गया इसमें 9 लिख दीजिए। 27/9/20 के बाद स्थायीकरण हो गया 9 लिख दीजिए, और आके आदेश दिनांक जो है जिनका स्थायीकरण हो गया उनके लिए ओपन रहेगी, वरना ऑप्शन नहीं खुलेगा, और कारण में आप विभागीय जांच बकाया और या अन्य, दोनों में से एक कोई भी कर दीजिए जो आपको अच्छा लगे, अन्य कर सकते हैं। अन्य करेंगे तो यहाँ लिख दीजिए प्रोबेशन वगैरह, आप कोई भी कुछ भी डाल दीजिए इसमें। अगर आप इस पे विभागीय जांच बकाया करते हैं तो भी उपयुक्त रहेगा, क्योंकि ये आप बाद में अपडेट हो जाएगा। विभागीय जांच बकाया कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि बाद में अपडेट हो जाएगा जब अवस्थायीकरण होगा। और वैसे ACP डेट डालनी है आपकी ज्वाइनिंग डेट से 9 साल बाद की डाल दीजिए। 28/9/18 है तो 27/9/2027 डाल दीजिए इसमें। 9 साल के गैप में ACP होती है, तो आप इसमें 9 साल का गैप रखते हुए तीनों कॉलम को फिलअप कर दीजिए। वही बात और हुआ है, यानी 9 नीचे ACP जो है 9 साल के गैप से, जैसे ज्वाइनिंग आपकी 18 से हुई है, 18/9/27, 27/9/36, 36/9/45 तीन डेट डाल दीजिए, और 9वें महीने की तीनों डेट डाल दीजिए। और जो स्थायीकरण हो गया है 9, सभी में 9 आएगा इन चारों कॉलम में, और जो कारण है विभागीय जांच बकाया या अदर कुछ भी कर दीजिए। अदर में करेंगे तो आप ऑब्जर्वेशन लिख सकते हैं, जो कैंडिडेट चाहते हैं कि यहाँ अदर लिखें तो वो यहाँ प्रोबेशन 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 ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ 9 साल का गैप, स्थायीकरण में 2 साल का गैप, ज्वाइनिंग डेट से 2 साल के गैप रखते हुए स्थायीकरण लिख दीजिए, और 9 साल का गैप करते हुए 9/9/9 यानी कि 18/9/27, 27/9/36, 36/9/45 इस प्रकार तीनों में भर दीजिए, और लास्ट में अपडेट कर दीजिए। बस आपका अपडेट करते ही ये आपका काम क्लियर हो जाएगा।
जब आप अपडेट करेंगे इसको तो डिटेल सक्सेसफुली सेव्ड आ जाएगा, और क्लोज कर दीजिए। और नीचे देखिए अपनी डिटेल दे रखी है, 27/9/2020 को प्रोबेशन पूरा होता है, और 27/9/27 को यानी कि ज्वाइनिंग डेट से 9 साल बाद आपका फर्स्ट SCP, दूसरे SCP 9 साल बाद, और उसके बाद 9 साल बाद, 9/9/9 के प्रोबेशन में आपको पेड में आपको ये डिटेल मिलती है। ये डाटा बाद में अपडेट हो जाए, कितनी बार भी अपडेट कर सकते हैं, फिर भी कोई समस्या है तो आप मुझे लिखें, समाधान किया जाएगा। जो इस चैनल पर नए हैं उन से निवेदन रहेगा कि वो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब करने के लिए जहाँ चैनल चल रहा है उसके नीचे चैनल का नाम और आगे सब्सक्राइब लिखा है रेड कलर में, इसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक बेल आइकन शो हो रहा है, उसको क्लिक कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें। और इस वीडियो को, क्योंकि ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है, तो शेयर करना न भूलें और लाइक कर दें। धन्यवाद।